नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एग्रीकल्चर, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने यहां पर कार्यवाही को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच की सूचना पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। गढ़ा निवासी मयंक खत्री द्वारा नकली खाद और कीटनाशक बनाने का कारखाना संचालित किया जा रहा था। मठाताल निवासी सलीमन बी के नाम खसरे में दर्ज करीब 1.5 एकड़ भूमि पर बना है अमर कृषि फार्म। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। नमक और जो पत्थर होता है उसको, उस पर कोटिंग करके उसको जो यूज करते हैं हमारे किसान भाई, वो फर्जी रूप से यहाँ बनाए जा रहे थे। फर्जी रूप से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे थे, साथ ही साथ उसका फर्जी रूप से जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो बनाए जा रहे थे उसके अतिरिक्त उनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी यहाँ पे की जा रही थी। जो बाहर से जो लेबल थे वो नामी ग्रामी कंपनीज के फर्जी लेबल लगा करके अपना जो फर्जी प्रोडक्ट है वो बेचा जा रहा था। कुल मिलाकर के एक बड़ी कार्रवाई है जिसके लिए जो टीम है बधाई की पात्र है। और इसमें पूरे जो लिंकेजेस हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए और आगे चल कर के किन किन को बेचा जा रहा था, उन उस पर FIR में इन्वेस्टिगेशन में इसमें विवेचना की जाएगी।